आसमां को छू लेंगे हम, हारेंगे ना कभी, कुछ करके दिखाएंगे हम, है सपना बस यही। ऊंचाइयों पे चढ़ते हुए हर मंजिल पाएंगे। We are the students of new generation, we gonna bring a revolution. BP education, करके दिखाएंगे। ओके, लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्क। बहुत सारा काम आज हमें करना है। नोटबुक निकाल लीजिए, नोट करना शुरू कर दीजिए। वेलकम टू पीटी आईएएस एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर रहेगा पेपर 4, अर्थात GS 3 Unit 1 Lecture 1। हर लेक्चर प्रॉपरली कोड करके आपको हम दे रहे हैं। वी आर कोडिंग एवरी लेक्चर सो दैट व्हेन यू रिवाइज लेटर यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज व्हाट। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय के माप या राष्ट्रीय आय का लेखांकन। फिलहाल तो भारत के नीति निर्धारकों का आय के माप करने में काफ़ी भाप निकल रही होगी, क्योंकि आय उस गति से नहीं बढ़ पा रही है। बट जो भी है, सब्जेक्ट बड़ा मज़ेदार है, उम्मीद करता हूँ आपकी भाप नहीं निकलेगी। आज हम काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे भारत का लेबर मार्केट, भारत का GDP का साइज, भारत पे GDP का ब्रेकअप तीनों सेक्टर्स में, अमेरिका और चाइना के साथ उसकी तुलना, और उसके बाद फिर इनडेप्थ हम घुस जाएंगे GDP और GNP में कि GDP क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, उसको मेजर करने के 3 तरीके क्या होते हैं, कंजम्पशन मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, वो तीनों हमेशा सेम रिजल्ट क्यों देते हैं, देना चाहिए, और फाइनली GNP। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, लिखना शुरू कीजिए। इंग्लिश हिंदी में पैरेलल बोलता जाऊंगा, अपने अपने हिसाब से लिखते चलिए। पॉपुलेशन कॉमा लेबर मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी, ये पहली हेडिंग दीजिए। पॉपुलेशन कॉमा लेबर मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी, जनसंख्या कॉमा श्रम बाजार एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। पॉपुलेशन लेबर मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी, जनसंख्या श्रम बाजार एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। पहले समझा देता हूं, 2 मिनट में समझ लीजिए और उसके बाद फिर लिखना शुरू कीजिएगा। कई साल पहले एक विचारक दार्शनिक हुए, दे वॉज अ फिलोसोफर इकोनॉमिस्ट कॉल्ड थॉमस माल्थस, जिन्होंने एक थ्योरी दी पॉपुलेशन की कॉल्ड द माल्थूजियन थ्योरी, माल्थसवादी सिद्धांत, जो ये कहता है, अब ये 200 साल पुरानी है इसलिए, कि पॉपुलेशन हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, जबकि हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमेशा अरिथमेटिक प्रोडक्शन में बढ़ता है, प्रोग्रेशन में बढ़ता है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा 2, 4, 8, 16, 32, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में जिसको ज्यामितीय श्रेणी कहते हैं।
और फूड ग्रेन प्रोडक्शन यानी कृषि उत्पादन बढ़ता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में 2, 4, 6, 8, 10। तो एक दिन ऐसा आएगा जब इन दोनों के बीच का गैप इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग भूख से मरने लगेंगे। द डे विल नॉट बी टू फार ऑफ व्हेन पीपल विल डाई ऑफ शियर हंगर एंड लैक ऑफ फूड। ये थी माल्थुसियन थ्योरी और ये काफी अच्छी थ्योरी थी, बट इस थ्योरी को पलट दिया एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। हरित क्रांति लाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? उन्होंने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया, ही प्रूव दैट फूड ग्रेन प्रोडक्शन कुड ऑल्सो ग्रो इन अ जीपी एंड नॉट नेसेसरीली ओनली पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम इस पे एक छोटा सा नोट लिखेंगे, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, आबादी का माल्थसवादी सिद्धांत। माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, आबादी का माल्थसवादी सिद्धांत। When population grows in an arithmetic progression, AP, when population grows in a geometric progression, GP, जब जनसंख्या ज्यामितीय श्रेणी से बढ़ती है, whereas agricultural production grows only by an arithmetic progression. जब जनसंख्या ज्यामितीय श्रेणी से बढ़ती है किंतु कृषि उत्पादन केवल समानांतर श्रेणी से बढ़ता है, कमा अ स्टेज कम्स, एक चरण ऐसा आता है, When mass starvation is the result, जब बड़े पैमाने पर भुखमरी होने लगती है, full stop, this population bomb, इस खतरनाक संभावना का डर, this population bomb was dreaded for long, इस खतरनाक संभावना का डर तब तक बना रहा, was dreaded for long, तब तक बना रहा, कमा till green revolution killed the fear, जब तक कि हरित क्रांति ने उसे मिटा नहीं दिया, full stop, जब तक कि हरित क्रांति ने उसे मिटा नहीं दिया। इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए, जीपी यानी ज्यामितीय श्रेणी 2, 4, 8, 16, 32... उसके नीचे की लाइन में लिख लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10... ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। 2, 4, 8, 16, 32... 2, 4, 6, 8, 10... उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलो, BORLAUGH, डॉक्टर नॉर्मन बोरलो, BORLAUGH, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने इससे शुरुआत की। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगली डेफिनेशन लिखिए, लेबर मार्केट डेफिनेशन, श्रम बाजार परिभाषाएं, लेबर मार्केट डेफिनेशन, श्रम बाजार परिभाषाएं। फर्स्ट, पहली परिभाषा लिखिए, वर्किंग एज पॉपुलेशन, श्रम आयु योग्य जनसंख्या, वर्किंग एज पॉपुलेशन, वैप, WAP, श्रम आयु योग्य जनसंख्या, कोलन, ये कौन सी जनसंख्या है, कोलन,
15 टू 64 ईयर्स ओल्ड, 15 से 64 वर्ष की आयु। तो किसी भी इकोनॉमी में जितने भी लोग विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ 15 टू 64 ईयर्स ओल्ड, ऑफिशियली द गवर्नमेंट विल काउंट देम एज वैप, वर्किंग एज पॉपुलेशन। भारत के संविधान के हिसाब से 6 से 14 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों, बच्चे और बच्चियों को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। अब वो फंडामेंटल राइट बन चुका है थ्रू राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हक। 1 अप्रैल 2010 को पार्लियामेंट ने पास कर दिया। अब ये बच्चे अपने घर से 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी स्कूल में हक से एडमिशन मांगने जा सकते हैं और उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसमें बहुत सारे क्वालिफायर्स हैं, उसमें अभी नहीं जाएंगे हम। इसके ऊपर के जो है वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप जब तक चाहें काम कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन, डिपेंडेंस, आश्रित। पहली आपने लिखी वर्किंग एज पॉपुलेशन, दूसरी डिपेंडेंस, आश्रित। तो ऑब्वियसली दो कैटेगरी हो जाएंगी आश्रितों की। पहली 0 to 15 ईयर्स, 0 से 15 साल तक के, और दूसरी ग्रेटर देन 64 ईयर्स। ये है आश्रितों की दो कैटेगरीज। तीसरा, रेशियोज पॉसिबल, विभिन्न अनुपात। अब हम बहुत सारे रेशियोज बना सकते हैं, विभिन्न अनुपात। डिस्कशन करने के लिए, किसी भी मुद्दे को समझने के लिए अनुपात बहुत काम आते हैं, रेशियोज बहुत काम की चीज होती है। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं। सपोज किसी कंपनी का सीईओ बोलता है, हम बात कर रहे हैं रेशियोज के इंपॉर्टेंस की, अनुपातों का महत्व। सपोज किसी कंपनी का सीईओ बोलता है, मैंने इस साल बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़, टैक्स भरने के बाद का मेरा शुद्ध मुनाफा है 5 करोड़। एक दूसरा सीईओ बोलता है, अरे यार मेरा तो बड़ा ही घटिया परफॉर्मेंस रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ओनली 2 करोड़। अब ये डिस्कशन में कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इस साल के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, तो ये डिस्कशन बेकार है। क्यों बेकार है ये बताइए। रेशियोज, रेशियोज हिंट आपके सामने है, बताइए। ये डिस्कशन एकदम ही महत्वहीन है, इट इज अ यूजलेस डिस्कशन। व्हाई? एग्जैक्टली, आप बताएं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, आप बताएं सबसे बढ़िया विथ रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए। वो सब छोड़ दो, मान लो सेम सेक्टर है, मान लो सेम प्रोडक्ट्स है। अब बोलो, बहुत बढ़िया, तुम्हारी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है, लॉजिकली सोचते हो, अच्छी बात है। मान लो सेम प्रोडक्ट है, सेम सेक्टर है, अब बोलो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। पार्डन? एग्जैक्टली, वेरी गुड। अरे भाई नेट प्रॉफिट आया है, लेकिन नेट प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करके ही तो कंपेयर कर पाओगे ना, तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी। तो प्रॉफिट तो मालूम चल गया, लेकिन ये प्रॉफिट कितने सेल्स के ऊपर आया ये ज्यादा जरूरी है। केवल प्रॉफिट से क्या होगा? मान लो पहली कंपनी का सेल्स फिगर है 100 करोड़, तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी इसकी? कितना परसेंटेज है प्रॉफिटेबिलिटी? 5% दिख रहा है कि नहीं? मान लीजिए दूसरे कंपनी का सेल है 20 करोड़, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो गई? तो वो डिस्कशन बेकार था कि नहीं? ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किस कंपनी का है, पहली या दूसरी? समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी हम बोलते हैं मेरा प्रॉफिट ये, तेरा प्रॉफिट वो डिस्कशन बेकार है। ये पूछना चाहिए, भैया प्रॉफिट छोड़, ये बता प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वही फर्क है जो फर्क उत्पादन और उत्पादकता का होता है। भारत ने इतना उत्पादन किया, अरे पर उत्पादकता क्या थी?
बहुत कम थी, ये है वो फर्क। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? अब यही चीज हम इस पे लगा सकते हैं, ये श्रम बाजार की जो बातें कर रहे थे हम, तो विभिन्न रेशियोज क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं लिख लीजिए। डिपेंडेंस अपॉन टोटल पॉपुलेशन, आश्रित अपॉन कुल जनसंख्या, आश्रित डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। इससे हमें क्या पता चलेगा कि देश में आश्रितों का प्रतिशत क्या है, जिससे हमें अपने आप क्या पता चल जाएगा कि देश में काम करने वालों का प्रतिशत क्या है। 100 में से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा कॉमा। दूसरा, आश्रित डिपेंडेंस अपॉन वैप, आश्रित डिवाइडेड बाय श्रम आयु योग्य। इससे क्या पता चलेगा? इससे यह पता चलेगा कि समाज कितनी हेल्दी स्थिति में है, अर्थात इकोनॉमिकली कितना हम सेफ हैं। कैसे? डिपेंडेंस अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब होता है ये डिपेंडेंस पे जो खर्चा होना है, बच्चों पे जो खर्चा होगा, बूढ़ों पे जो खर्चा होगा, वो निकलेगा तो यहीं से ना। ये जो कमाएंगे और ये जो टैक्स भरेंगे उसी से निकलेगा। तो अगर ये रेशियो गड़बड़ है, मान लो रेशियो एक से ज्यादा है, तो बहुत मैनेज हो जाएगा। लेकिन मान लो ये रेशियो अनाप शनाप 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हालत बहुत खराब है देश की। यूरोप, जापान, चाइना सब उस दिशा में बढ़ चुके हैं। वैप कम है, डिपेंडेंस ज्यादा है। हिंदुस्तान में उल्टा है। समस्या यह है कि जो वैप है वो मक्कार है। यहां की समस्या बिल्कुल ही उल्टी है कि उम्र तो ठीक है, नियत बड़ी मक्कार है, प्रोडक्टिविटी कुछ है ही नहीं। लोगों का दोष नहीं है, सिस्टम ही नहीं बने, न शिक्षा की प्रणाली वैसी बन पाई, न जॉब देने की प्रणाली वैसी बन पाई, न घरों में संस्कार वैसे डल रहे हैं, तो लोग सब ऐसे ही बनते जा रहे हैं। जब तक ये तीनों चीजें नहीं सुधरेंगी, देश सुधर ही नहीं सकता। और अभी तो कोई ऐसे कोई निशान दिख नहीं रहे कि ये कुछ बड़ा जबरदस्त सुधार हो जाएगा। ये समझ में आ गया कि नहीं रेशियो? ये बहुत जरूरी है। कॉमा, तीसरा, वैप अपॉन टोटल, श्रम आयु डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। और आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। अगली हेडिंग दीजिए, प्रॉब्लम्स इन इंडियन जॉब मार्केट, भारतीय श्रम बाजार की समस्याएं। ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि हम जब जीडीपी पे आएंगे उसके पहले ये पता होना चाहिए, भारतीय श्रम बाजार की समस्याएं, प्रॉब्लम्स इन इंडियन जॉब मार्केट। मैं आपको 6 प्रॉब्लम्स लिखवाऊंगा। होता क्या है, ये मैं आपको पहले क्यों लिखा रहा हूं, मैं आपको फिर समझा दूं। होता क्या है, किसी से भी डिस्कशन हम करें, किसी भी अखबार में हम पढ़ें, मैगजीन में पढ़ें, भारत की जनसंख्या 125 करोड़, हमारे यहां युवाओं का प्रतिशत इतना, हमारा जीडीपी इतना, हम इतने, वो सब ठीक है, लेकिन पहले समस्याएं समझ लें। 1 2 3 4 5 6 1, एक्सट्रीमली पुअर रूरल एग्री प्रोडक्टिविटी, अत्यंत कम ग्रामीण कृषि उत्पादकता, एक्सट्रीमली पुअर रूरल एग्री प्रोडक्टिविटी, अत्यंत कम ग्रामीण कृषि उत्पादकता। सेकेंड, अब ये जो सेकेंड मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक रामबाण औषधि भी हो सकती है। अगर इस पर सरकार थोड़ा काम कर ले, हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं एक झटके में सुलझ सकती हैं, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। सेकेंड, वेरी लो परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उद्योगों का जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत योगदान, उद्योगों का जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत योगदान, वेरी लो परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखिए इसका महत्व मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, आगे चल के आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, इस बारे में कुछ कीजिएगा, क्योंकि भारत को इसी रास्ते से बचाया जा सकता और कोई रास्ता है नहीं। And I say this with a lot of seriousness, having studied things for a long time. Manufacturing यानी उद्योगीकरण। उद्योगीकरण वो रास्ता है जिसके जरिए आप दो काम एक साथ कर सकते हैं।
कम शिक्षित लोगों को भी पेट भरने की नौकरी दिला सकते हैं। उद्योगों में काम करने के लिए 12, 15, 16, 18 साल की शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। बेसिक शिक्षा अगर आपको मिल चुकी है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने के कोर्स करवा के आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। 18 साल का आदमी, 18 साल की लड़की। तो एक तो ये कि समय कम लगता है, इसका मतलब आप करोड़ों लोगों को अगर नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो केवल एक रास्ता है और वो रास्ता है मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सर्विसेज सेक्टर इसलिए रास्ता नहीं है क्योंकि एक तो सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है, ए, और बी द एजुकेशन रिक्वायर्ड इज एक्सट्रीमली हाई लेवल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और अगर वो बना भी लिया गया तो उतनी कंपनीज कहां हैं। आप अगर ये इसको दूसरे ढंग से समझिए, हर साल देश में अगर एक नया TCS आता जाए तो हमारे लोग प्रॉपरली एब्जॉर्ब IT वाले हो पाएंगे, वो तो संभव ही नहीं है। अब एग्जिस्टिंग ही ग्रो करेंगे, हमें एक पूरा नया TCS हर साल चाहिए, तब जाके IT के सारे लोग एब्जॉर्ब हो पाएंगे। तो ये तो एक डे ड्रीम है। तो पहली चीज है कि नौकरी कम समय में दी जा सकती है, और दूसरा फायदा करोड़ों लोगों को नौकरी दी जा सकती है। मतलब जो एग्रीकल्चर छोड़ छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, जो कि एक ट्रेंड है जिसको रोका नहीं जा सकता, वो जाएंगे कहां? वो यहां जाएंगे। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना जरूरी है। भारत में आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग गर्त में जा चुका है। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट नेगेटिव चल रही है, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति है, और इस बारे में सरकार भी बहुत चिंतित है। सरकार खूब इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है। प्रॉब्लम यह होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जिस किसी ने भी पैसा लगाया वो 10, 20, 30 साल के लिए कमिट हो जाता है। आदमी लंबे समय के लिए किसी देश में कमिट केवल तभी होना चाहता है जब उसको देश की ओवरऑल स्थिति ठीक लगे, और वो अभी नहीं हो रहा है। यह है मैन्युफैक्चरिंग का पूरा समरी। समझ में आ गई आपको अच्छे से? तीसरा, सर्विस सेक्टर इज नॉट लेबर इंटेंसिव। सेवा क्षेत्र श्रम गहन स्वरूप का नहीं है। सर्विस सेक्टर इज नॉट लेबर इंटेंसिव। सेवा क्षेत्र श्रम गहन नहीं है। इसके आगे आप फैक्ट्स लिखिए, आपको बड़ा मजा आएगा फैक्ट्स देख के। हमारा पूरा IT उद्योग मिला लें अगर भारत का, आज की तारीख में लेटेस्ट फिगर्स बता रहा हूं, तो कुल कितने लोग IT उद्योग में काम कर रहे होंगे, क्या अनुमान है आपका? पार्डन, 1% ऑफ इंडिया, 125 करोड़ की हमारी जनसंख्या, मतलब 1.25 करोड़। यही आप बोल रहे हैं? ठीक है, ये एक गैस है, एनी अदर गैस? पार्डन, 3%, यानी 3.75 करोड़। एनी अदर गैस? चलिए अब आपको फिगर बता दिया जाए। IT प्लस ITES में जो लोग सीधे सीधे नौकरी पे लगे हुए हैं, IT समझते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? क्या हुआ, बहुत सीरियस देख रहे हो, डर गया मैं एकदम। IT मालूम है ना, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। ITES क्या होता है? IT इनेबल्ड सर्विसेस, सूचना प्रौद्योगिकी से चलने वाली सेवाएं, जैसे BPO। समझ में आ गया? कुल मिला के IT और ITES में काम करने वाले लोगों की संख्या भारत में है 2.8 मिलियन, 28 लाख। केवल ये फिगर लिख लीजिए, समझ में आ रही है बात? तो अगर कोई भी ये बोलता है कि हम IT से देश की समस्याएं सुलझा देंगे, श्रम की, लेबर की, तो वो आपको उल्लू बना रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ, वैल्यू वाइज और टैक्सेशन वाइज आपको बहुत फायदा है, टोटली अग्रीड, क्योंकि IT इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग सब्सटेंशियली, अभी हम आगे फिगर्स में देखेंगे GDP के ब्रेकअप में। लेबर वाइज IT इज अ वेरी निशे सेक्टर, बहुत दिक्कत है, इसमें कहां नौकरियां हैं? 28 लाख केवल, समझ में आ गया? अगला, ये डायरेक्ट है, जो लोग सीधे सीधे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट नौकरियां भी हैं, मतलब सीधी नौकरियां और इनडायरेक्ट नौकरियां। इनडायरेक्ट नौकरियों का नंबर है 8.9 मिलियन, 89 लाख। ड्राइवर, पेंट्री, मेंटेनेंस,
सफाई, बिजली, गार्डनर सारा जोड़ लो, कितने हो जाएंगे? 8.9 मिलियन यानी 89 लाख। तो दोनों जोड़ेंगे तब जाके ये आंकड़ा 1.17 करोड़ का बनता है। लेकिन डायरेक्ट आईटी का आंकड़ा कितना है? केवल 2.8 मिलियन। समझ में आया? 1 मिलियन यानी कितने लाख? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। ये आंकड़े याद रखना, बहुत मदद होगी। फोर्थ, चौथा पॉइंट लिखिए। इन द पीरियड 1999-2000 to 2003-04, 1999-2000 से लेकर 2003-04 तक, इन द पीरियड 1999-2000 till 2003-04, कॉमा, द नेट न्यू नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड इज इक्वल टू 6 करोड़। कुल नई नौकरियों का सृजन हुआ बराबर 6 करोड़। समझ रहे हैं? यह बड़ा अच्छा फिगर है। इस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी, भारत का पूरा पूरा फायदा मिला, और कुल नई नौकरियां, मतलब कुछ लोग रिटायर हुए, कुछ नए लोग आए वगैरह वगैरह, 6 करोड़ आई। पॉइंट नंबर 5, तो पॉइंट 4 बहुत अच्छा है। पॉइंट 5, इन द पीरियड 2004-05 to 2009-10, 2004-05 से लेकर 2009-10 तक नेट न्यू जॉब्स क्रिएटेड, कुल नई नौकरियां बनी बराबर 0, 0। जी आपने सही सुना, 0। क्योंकि इसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग द वर्कफोर्स इज वेरी वेरी हाई। पहली बात, हर साल 1.25 करोड़ लोग वर्कफोर्स में एंटर हो रहे हैं, उतनी नई नौकरियां नहीं बन पा रही, उतने लोग अब रिटायर नहीं हो रहे हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। सिक्स्थ, और इसके बाद हम इमीडिएटली जीडीपी ब्रेकअप पे चले जाएंगे। छठा पॉइंट, 85% ऑफ इंडिया नॉन फार्म जॉब्स, भारत में 75% गैर कृषि नौकरियां, 85% ऑफ इंडिया नॉन फार्म जॉब्स आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। 85% गैर कृषि नौकरियां अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, दे आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर, नॉट द फॉर्मल सेक्टर। यह हो गया हमारा लेबर मार्केट का क्विक राउंडअप। अब अगला टाइटल दीजिए, जीडीपी फिगर्स एंड कंपेरिजन, जीडीपी के आंकड़े एवं तुलना। अब आपको जीडीपी के 4 टेबल्स बना के दिए जाएंगे, 4 स्ट्रक्चर्स बना के दिए जाएंगे। टाइटल दीजिए जीडीपी फिगर्स एंड कंपैरिजन, जीडीपी के आंकड़े एवं तुलना। तो हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाते जा रहे हैं ताकि जब हम आगे जीडीपी की परिभाषा पे आए तो आपको मालूम तो हो कि हम बात कर किस चीज की रहे। अब मैं आपको आंकड़े दूं, उसके पहले कुछ बेसिक लर्निंग और हो जाए हमारी, ये इसलिए ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन किसी के मन में नहीं बचे, कोई बहाना नहीं बचे कि मुझे तो पता ही नहीं था। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, पूरे आंकड़े लिख लो लाइन से, ये तो शुरुआत है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, टेन मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख्स, 100 लाख्स। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ बराबर 100 लाख 1000 मिलियन बराबर 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन 1000 मिलियन इज एक्चुअली 1 बिलियन विच इज 100 करोड़। तो भारत की जनसंख्या हो गई कितनी, कितने करोड़ है भारत की जनसंख्या? 125 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, गिव और टेक 2-3 करोड़ हियर और देयर, यानी कितने बिलियन, यानी कितने मिलियन,
बोलिए, एग्जैक्टली समझ गए। तो भारत की जनसंख्या है 125 करोड़, लिख लीजिए इसको, इज इक्वल टू 1.25 बिलियन, इज इक्वल टू 1250 मिलियन। आगे $1,000 billion = $1 trillion, 1,000 billion बराबर होता है 1 trillion के, 1,000 billion बराबर होता है 1 trillion के। जब हम रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो 1 billion American dollar का मतलब कितना हुआ, 100 crore American dollar। इसको अगर रुपीस में कन्वर्ट करना है तो ऐसे होगा, ठीक है, डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको कितना मिलेगा, 1 billion dollar = 6200 crore rupees, यस और नो, आ रहा है कि नहीं। ये यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आजकल इकोनॉमी के किसी भी डिस्कशन में मिलियन बिलियन ट्रिलियन ही यूज होते हैं, और पैरेलल लाख और करोड़ भी यूज होते हैं। अब अगर आपको यह नहीं पता है तो गए काम से। एनी क्वेश्चंस? इससे पहले कि हम जीडीपी बनाना शुरू करें, हाँ जी, पार्डन, एक पाउंड में है रफली 80, तो वैल्यू चेंज होती रहती है रोज। पाउंड इज नो लॉन्गर एन इंपॉर्टेंट करेंसी, यूरो एंड डॉलर्स आर। चलिए अब हम वापस आ गए जीडीपी फिगर्स एंड कंपैरिजन, वो टाइटल दिया था आपने, जीडीपी आंकड़े एवं तुलना। चालू करते हैं इंडियन जीडीपी 2012, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद 2012, नॉमिनल नॉट रियल, नाम मात्र न कि वास्तविक। जीडीपी दो प्रकार के होते हैं, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी नाम मात्र जीडीपी, रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी। दोनों के बीच का फर्क यह होता है कि जब नॉमिनल जीडीपी पे जीडीपी डिफ्लेटर लगा दिया जाता है तो वो रियल जीडीपी का आंकड़ा आता है। यह हम आगे पढ़ेंगे आज, उसकी चिंता भी मत कीजिए। दूसरा फर्क सिंपल भाषा में और बताऊं, नॉमिनल जीडीपी को जब इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर दिया जाता है तो वो रियल बन जाता है। नाम मात्र जीडीपी के आंकड़े को जब मुद्रास्फीति के लिए बराबर समायोजित कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वास्तविक जीडीपी फिगर। ।2012 का भारत का जीडीपी है कुल 1.8 ट्रिलियन डॉलर। एक ट्रिलियन यानी कितना, 1000 बिलियन, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यह है भारत का कुल नॉमिनल जीडीपी, यानी कुल भारत में जितना भी प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का 2012 में नॉमिनल बेसिस पे, नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यूज, तो ये इन्फ्लेटेड ही आती थोड़ी सी, वॉज 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स। नेचुरली तीन भागों में बटेगा, कौन से भैया तीन भाग, सबसे पहला कौन सा है, कृषि, दूसरा कौन सा है, उद्योग, और तीसरा कौन सा है, सेवा क्षेत्र, जिस पे टैक्स लगा लगा के सरकार किसी तरह अपने आप को चला रही है। अगर सेवा क्षेत्र पे टैक्स नहीं वसूल पाए कवाड़ा हो जाए पूरी इकोनॉमी का, क्योंकि 60% कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विसेज से आ रहा है इकोनॉमी का,
भारत के लिए ये एक टाइम बम की तरह टिक 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 करके चल रहा है। एक ऐसी इकोनॉमी जहां हमारी जनसंख्या का 10-15% काम करता है, वो वैल्यू में 60% दे रहा है। तराजू ऐसा है अभी तो, ऐसा कभी भी लुढ़क जाएगा। सरकार जानती है ये बात और सरकार इसको बदलना भी चाहती है, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी है। आप लोग बदलेंगे निश्चित तौर पर, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। एग्री कुल दे रहा है 17%, कृषि तो 1.8 ट्रिलियन का अगर आप 17% निकालेंगे तो वो आएगा $310 बिलियन। इंडस्ट्री दे रहा है केवल 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 कितना प्रतिशत दे रहा है भैया? तो अब आप ही बता दें कितना प्रतिशत बच गया मेरे दोस्तों? 65%। बहुत खतरनाक आंकड़े हैं ये, मेरे को तो बहुत डर लगता है देख के। कई लोगों को नहीं लगता क्योंकि वो इसको समझते ही नहीं है, बड़े सुखी हैं। ना समझो, उससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। फर्क ही नहीं पड़ रहा, बस बोले आंकड़े लिखे, आंकड़े तो अच्छे दिख रहे। चाइना बड़ा चतुर देश है, ये प्रॉब्लम उन्होंने बहुत पहले समझ ली थी। चाइना के दूसरी पीढ़ी के नेता डेंग जियाओपिंग ने 1979 में चाइना को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। डेंग जियाओपिंग एग्जैक्टली वही डिस्कशन करते थे जो मैंने आपके साथ अभी किया कि मैन्युफैक्चरिंग से ही ये दो फायदे मिलेंगे। आज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 45% एंड सर्विसेस कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 44%। चाइना अपने 135 करोड़ लोगों को चुप रखने में इसलिए सफल है एक दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था के बावजूद, क्योंकि उसने उनको इसमें घुसा दिया अंदर, जो हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे यहां डेमोक्रेसी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कम्युनिज्म में वो लोग आसानी से कर पाए, हमने डेमोक्रेसी का रास्ता चुना है, उसमें कुछ समस्याएं हैं, ये मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। अब फिर से वो आईटी पे आ जाते हैं क्योंकि वो एक डिस्कशन बार बार होता है। तो कुल सेवा क्षेत्र में कितना बना भैया? 1186 बिलियन। इसमें से आईटी प्लस आईटीईएस, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी से चलने वाले उद्योग जैसे कि बीपीओ, केपीओ, एलपीओ एक्सेट्रा, इसका योगदान है 7.5%। तो ये हो गया $101 बिलियन। ये आंकड़े बहुत मजेदार हैं, आपको एक पूरा स्ट्रक्चर समझ में आता है इकोनॉमी का क्या है। और इस $101 बिलियन में $69 है एक्सपोर्ट और $32 है डोमेस्टिक। तो हमने बिल्कुल तोड़ के देख लिया जीडीपी को कि दरअसल हो क्या रहा है और इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। समझ में आ गया भारत का पूरा स्ट्रक्चर जीडीपी का। तो अब आपको एक कंपैरिजन के तौर पे अमेरिका और चीन के आंकड़े भी दिखा देते हैं। अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद 2012 और ये नॉमिनल वैल्यूज हैं, इसलिए हम थोड़ा बहुत तो कंपेयर कर ही सकते हैं। हालांकि हमेशा रियल वैल्यूज कंपेयर की जानी चाहिए जिससे इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है, कांस्टेंट प्राइस एट अ बेस ईयर कैलकुलेट की जाती है। लेकिन ठीक है, तो ये नॉमिनल वैल्यूज ही है, मान के चल रहे हैं। $15.684 trillion US. इसको भी तोड़ लेते हैं, एग्री इंडस्ट्री और तीसरा क्या होगा? सर्विसेज। इसके आंकड़े लिख लेते हैं। एग्री वैल्यू वाइज इज 1.2%, क्योंकि एक तो जीडीपी का साइज भी ज्यादा है इसलिए उससे बहुत फर्क पड़ता है। इंडस्ट्री 19.1%, सर्विसेज 79.7%।
अब अमेरिका में एक बिल्कुल ही अलग समस्या है। अमेरिका ने 1980 के बाद मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान ही नहीं दिया। अमेरिका ने अपनी तरक्की के जोश और नशे में चाइना से इंपोर्ट 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 किया और नतीजा बिल्कुल आपके सामने है। लेकिन हाल फिलहाल में अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि हमें खुद की इंडस्ट्री को सुधारना ही पड़ेगा और उन्होंने भयंकर रिसर्च और इनोवेशन अपनी इंडस्ट्री में डालना शुरू किया है। लेकिन ये जो गैप है ये इसलिए है क्योंकि चाइना ने सारा एक्सपोर्ट किया अमेरिका को पिछले 30 सालों में। अब चाइना ने इतना एक्सपोर्ट क्यों किया, अभी बताया था 5 मिनट पहले, क्योंकि डेंग जियाओपिंग ने इंडस्ट्रीज इतनी लगा दी कि उसका प्रोडक्शन इतना बन गया कि कहीं तो जाना था। तो अमेरिका और चीन की यह दोस्ती 30 साल पुरानी हो चुकी है। वैल्यूज लिख लीजिए, अब आ जाइए चाइना पे। चाइना जीडीपी 2012 चीन का सकल घरेलू उत्पाद 2012 सारी नॉमिनल वैल्यूज लेके चल रहे हैं। $8.227 trillion जिसका ब्रेकअप चीन की जनसंख्या बहुत बड़ी होने की वजह से यह रेशियो आपको ऐसा दिखेगा। और इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था कितना परसेंटेज बोला था भाई, और सर्विसेज का कितना बोला था, ये रहे वो आंकड़े। तो चीन ने बड़ी चतुराई से बैलेंस कर लिया है, नहीं तो इतने लोगों को नौकरियां कहां से देने वाला है वो, क्रांति हो जाएगी और कम्युनिस्ट पार्टी का भट्टा बैठ जाएगा। बड़े अच्छे कंपैरेटिव फिगर्स हैं, समझ गए। आखिरी इंडिया का जीडीपी हमने नॉमिनल बेसिस पे तो ले लिया, लेकिन एक पीपीपी बेसिस भी होता है, वो आपको बना के बता देता हूं और उसके बाद पीपीपी की परिभाषा भी बता दूंगा। भारत का सकल घरेलू उत्पाद पीपीपी मेजर पे, पीपीपी का मतलब है क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी क्रय शक्ति समता। देखिए जब हम इस तरह से 3 जीडीपी निकाल के कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप एक सवाल पूछ सकते हैं जो आपने पूछना चाहिए था कि सर कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, अमेरिका में अमेरिका का डॉलर और भारत में अमेरिका का डॉलर, दोनों की वैल्यू में बहुत फर्क है। $1.62 में अमेरिका में $1 जो खरीद सकता है अमेरिका में, भारत में $62 उससे कहीं ज्यादा खरीद सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। इस पे एक फॉर्मूला बनता है जिसको कहते हैं पीपीपी, उसकी डेफिनेशन आगे मैं दूंगा, अभी आप समझ लो। तो दरअसल अगर यह कॉमन सेंस में सोचूं तो भारत की इकोनॉमी का साइज इतना रहेगा, इससे कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर अमेरिका भारत को एक लेवल पर रख के देखना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने डॉलर भारत में कई गुना ज्यादा काम कर पाएंगे कंपेयर टू अमेरिका, उससे जो फॉर्मूला निकलता है दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला इज कॉल्ड द परचेसिंग पावर पैरिटी। उस फॉर्मूले से भारत का जीडीपी निकलता है ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा, $4.06 trillion। परचेजिंग पावर पैरिटी पे,
और इसमें भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है। जैसे ही हम पीपीपी की बात करते हैं, इंडिया सडनली बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय साइज। तो इग्नोर कर ही नहीं सकते भारत को, साइज इतनी बड़ी हो चुकी है। फिर से ब्रेकअप ले लीजिए फटाफट। अब इसमें थोड़ा फर्क आ जाता है, क्योंकि पीपीपी फॉर्मूला लगने के बाद परसेंटेजेस चेंज होने लगते हैं। तो अब जो फाइनल परसेंटेजेस आएंगे वो आप प्लीज नोट कर लें और हम इस डिस्कशन को खत्म करें। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो हम इमीडिएटली जा रहे हैं हमारे जीडीपी के टेक्निकल डिस्कशन पे। यस, वेरी गुड। डेफिनेशन ऑफ पीपीपी लिख लीजिए, क्रय शक्ति समता की परिभाषा, परचेजिंग पावर पैरिटी। अज्यूम दैट $1 इज इक्वल टू ₹60। मान लीजिए कि $1 बराबर ₹60 है। दिस $1 व्हेन यूज्ड इन अमेरिका, इस $1 का जब अमेरिका में इस्तेमाल होगा, एंड व्हेन द ₹60 विल बी यूज्ड इन इंडिया, और उन ₹60 का जब भारत में इस्तेमाल होगा, कॉमा, देन द रिजल्ट विल बी वेरी डिफरेंट। तब बहुत अलग नतीजे दिखाई देंगे। ₹60 इन इंडिया, भारत में ₹60 will be far more valuable than $1 in America. भारत में ₹60 अमेरिका में $1 के मुकाबले कहीं ज्यादा मूल्यवान सिद्ध होंगे। The formula derived using this logic, इस तथ्य के इस्तेमाल से बने फॉर्मूले से, द फॉर्मूला डिराइव्ड यूजिंग दिस लॉजिक, इस तथ्य के इस्तेमाल से बने फॉर्मूले से, कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट जीडीपी पीपीपी, सकल घरेलू उत्पाद, क्रय शक्ति समता आकी जा सकती है। ठीक है, डेफिनेशन नोट कर ली। चलिए अब अगली हेडिंग दीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेशंस, सकल घरेलू उत्पाद गणना। अब ये पूरा बढ़िया टेक्निकल डिस्कशन है, एक एक करके आपको अच्छे से समझा देते हैं। लिखना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट, सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद की हमें परिभाषा लिखनी पड़ेगी। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? पहले एक डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? वेरी गुड। एनीवन एल्स? सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है सिंपल भाषा में? वेरी गुड, वेरी, नो नॉट नेट इनकम, उसमें डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा जैसे ही नेट वर्ड आप लगा दोगे। देखिए जीडीपी क्या होता है, किसी भी एक साल में, साल होता है इसका यूनिट, किसी भी एक साल में किसी भी देश में कुल मिला के
क्या क्या बना उसका बाजार मूल्य, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एवरीथिंग दैट वॉज प्रोड्यूस गुड्स एज वेल एज सर्विसेज इन अ गिवन ईयर इन एन इकोनॉमी इज द जीडीपी ऑफ दैट इकोनॉमी। फिर से समझाता हूं, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी एक साल में सब मिला लो, ऑल सेक्टर्स, सारे प्रोडक्ट्स, सारे गुड्स, सारी सर्विसेज, सारी सेवाएं, उनको जोड़ लो, उनका जो बाजार मूल्य है वो आपका जीडीपी। मतलब जीडीपी के लिए हमें देश की बाउंड्री देखनी पड़ेगी, हमारी बाउंड्री के अंदर क्या क्या हो रहा है। समझ गए? यस, एवरीथिंग, प्राइवेट, गवर्नमेंट, फार्मर्स, आईटी, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एमएनसीज, जापान की कंपनी भारत में आके प्रोडक्शन कर रही है, भारत के जीडीपी में काउंट होगा। जापान के जीएनपी में भी काउंट होगा। समझ गए? वो चीज दो जगह काउंट होगी, भारत के जीडीपी में और जापान के जीएनपी में, दो जगह काउंट होगी। तो भारत में कुल हमारी बाउंड्री में जो बना, हमारे नागरिकों ने बनाया या नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, हमारी बाउंड्री में बना, हमारा जीडीपी हो गया। समझ गए कि नहीं? इसको कैलकुलेट करने के तीन तरीके, तीनों से सेम आंसर आता है। दूसरा होता है जीएनपी, पहला था जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, अब हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, फॉर जीडीपी हमने किस चीज का ध्यान रखा था? हमारी बाउंड्री का, हमारा सिटीजन हो नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमें सिटीजनशिप का ध्यान रखना है। कुल मिला के भारतीयों ने क्या बनाया पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया, वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अब मान लो कोई भी भारतीय भारत के बाहर रहता ही नहीं है, और भारत के अंदर कोई बाहर वाला कुछ भी नहीं बनाता है, तो क्या होगा? जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी। बहुत बढ़िया, जीडीपी जीएनपी के बराबर कब होगा? नो इंडियन इज लिविंग अब्रॉड एंड प्रोड्यूसिंग एनीथिंग एंड नो फॉरेनर इज लिविंग इन इंडिया एंड प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, तो हमारा जीडीपी बराबर हो जाएगा। मतलब हम पूरी तरह से आइसोलेटेड है सबसे, ऐसा होता नहीं है कभी भी। जीएनपी अक्सर जीडीपी से ज्यादा होता है, उसका कारण है जीएनपी में, चलो वो जीएनपी पे जब आएंगे तब समझाऊंगा, अभी पहले जीडीपी समझा देता हूं, नहीं तो वो डिस्कशन जीएनपी की तरफ चला जाएगा, वो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये बेसिक लेवल पे समझ में आ गया जीडीपी जीएनपी का फर्क क्या है। अब लिखना शुरू कीजिए सकल घरेलू उत्पाद। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, भारत सरकार, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग संगठन, पूरी कंट्री का देगी, ब्लैक इकोनॉमी का नहीं दे सकती है, जो काली अर्थव्यवस्था है वो इस कैलकुलेशन के बाहर है। उस पर मैं कमेंट करूंगा, बताऊंगा आपको उसका क्या तात्पर्य था। और ये जिस मिनिस्ट्री के साथ काम करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इनका काम ही है सारे आंकड़े जोड़ते रहना, आंकड़े देखते रहना, आंकड़े बनाते रहना, इनका काम ही यही है। अब आपने बहुत अच्छा बड़ा नेचुरल सवाल पूछा कि सर ये आंकड़े देता कौन है। बहुत सही है, देखिए CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन केवल वही आंकड़ों पर काम कर सकता है जो उसके पास आए। आंकड़े कहां से आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एक्स वाई जेड ए बी, वो सबको वो जोड़ेगा, उसमें से कुछ हटाएगा, कुछ घटाएगा, फॉर्मूले होते हैं हर चीज के, और फाइनली फिगर दे देगा। बस इसमें एक चीज कवर नहीं हो रही है। कौन सी चीज कवर नहीं हो रही है? जो उसके पास आई ही नहीं,
समझ में आ रहा है? उसके पास क्या नहीं आया जो आपने कभी हिसाब किताब में लिया ही नहीं। आप किसी दुकान पे गए, जितनी भी छोटी दुकानें हैं वो हिसाब किताब रखती नहीं है, बिल देती नहीं, आप मांगो तो भी बिल नहीं देंगे, आपको ऐसा देखेंगे मानो आप कहां से आए हो, और उससे भी ज्यादा आप क्यों आए हो, आप जाओ यहां से, बड़ा मुश्किल है उनसे बिल निकलवाना। मतलब वो आंकड़े उनके पास नहीं जा पाते, उसका एक हिस्सा जा पाता है। एक हिस्सा कैसे? मान लो आपकी इनकम पूरी व्हाइट में है, आप एक नौकरी पेशा इंसान है, तो आपको जो सैलरी इश्यू हुई टीडीएस काट के वो कंपनी की बैलेंस शीट पे चली गई, तो वो सैलरी की अकाउंटिंग हो गई। अब वो सैलरी का हिस्सा जो आपने खर्च किया, वो फॉर्मूले से तय होगा कि कितना ब्लैक, तो उनको एक अंदाजा लग जाता है कि ब्लैक इकोनॉमी का साइज कितना है। जिनकी इनकम ही पूरी ब्लैक में हो, जिसका हिसाब किताब ही नहीं रखा जा रहा है, तो उसका तो हिसाब किताब हो ही नहीं सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में काली अर्थव्यवस्था व्हाइट से बड़ी है। द ब्लैक इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज मच लार्जर देन द व्हाइट इकोनॉमी, पर यह सिर्फ अनुमान है, किसी को पता नहीं है, या जिनको पता है वो बताना नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों हमारी अर्थव्यवस्था का भट्टा अभी तक नहीं बैठा है। ब्लैक इकोनॉमी ने संभाल रखा है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को, गाड़ी चल रही है लोगों की, क्योंकि वो तो पैरेलल पूरे सिस्टम के बाहर ही पूरा सिस्टम चल रहा है। इन अमेरिका द एक्सटेंट ऑफ ब्लैक इकोनॉमी इज वेरी स्मॉल, कानून भयंकर कड़े हैं, सीधे जेल है, तो वहां कोई खतरा लेता ही नहीं है। और इसलिए अमेरिका, क्योंकि लार्जली 90% हम कह सकते हैं व्हाइट इकोनॉमी है, 10% तो वहां भी कर की चोरी होती है, हर जगह होती है दुनिया में। स्विट्जरलैंड का बैंकिंग सिस्टम चलता ही उस पर था, अब तो बहुत बदल गई बात, नए नए जगह आ गई अब तो। तो अमेरिका में वो परसेंटेज बहुत कम है, भारत में बहुत ज्यादा है। समझ गए? बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, लंबा डिस्कशन है। चलिए, सकल घरेलू उत्पाद पहला पॉइंट। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, हिंदी में, या किसी भी वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, या किसी भी वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर बनाए गए, प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर कॉमा इन अ गिवन ईयर फुल स्टॉप, बनाए गए सभी उत्पादों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर कॉमा इन अ गिवन ईयर फुल स्टॉप। एक बार पूरा इंग्लिश पढ़ देता हूं, पूरा हिंदी पढ़ देता हूं। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ गिवन ईयर, या किसी भी एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर बनाए गए सभी उत्पादों सेवाओं का बाजार मूल्य है। दूसरा पॉइंट, जीडीपी पर कैपिटा इज इक्वल टू, सिंबल डाल के, प्रति व्यक्ति जीडीपी बराबर, जीडीपी पर कैपिटा इज इक्वल टू जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन बराबर जीडीपी डिवाइडेड बाय जनसंख्या। जीडीपी बटा जनसंख्या फुल स्टॉप। दिस मेजर्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यह जीवन स्तर का आईना होता है। दिस मेजर्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यह जीवन स्तर का आईना होता है। यह कॉमन सेंस बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने शुरुआत में रेशियोस क्यों बताए थे, अब समझ में आ रहा है? देखिए, आप बोले भारत का जीडीपी है 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स, पीपीपी में 4.06 ट्रिलियन डॉलर। एक आम आदमी बोलेगा, यार ये क्या, मेरे को क्या, ये तो तुम इसकी जगह 40 भी बोल देते तो मेरे को कौन सी सेहत पर असर पड़ जाता। फिर आप बोलते नहीं, अब अगला फिगर सुनो, 4.06 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 125 करोड़, मतलब प्रति व्यक्ति औसत आय देश में कितनी हो गई है। इसमें कोई शक नहीं कि हालांकि देश में इनइक्वालिटी बहुत है ऊपर से नीचे तक, लेकिन एक औसत तो पता चलता है कि हर साल ये एवरेज बढ़ता जा रहा है, मतलब देश में तरक्की आ रही है। अगर एवरेज कम होगा मतलब देश गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल सीधा सा गणित है, एक मोटा मोटा आपको बता देता हूं जस्ट आपके जीके के लिए। ओईसीडी देश, ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है?
फॉर कितनी बार पढ़ाऊंगा है? यही पढ़ाता रह जाऊंगा आखिरी दिन तक लगता है। ओईसीडी आईएएस एग्जाम के एक दिन पहले भी सर ओईसीडी का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट आर्थिक सहयोग और विकास संस्थान मतलब दुनिया के सभी रईस देशों का संगठन है ये ओईसीडी। ओईसीडी देशों में नॉर्मल पर कैपिटा इनकम सालाना $20,000 से ऊपर मिलेगी आपको। बिल्कुल ब्रॉड रफ फिगर बता रहा हूं। तो इन दी ओईसीडी नेशंस ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम पर एनम वुड बी मोर देन $20,000। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड इन थ्री वेज ऑल गिविंग द सेम रिजल्ट। जीडीपी को तीन तरीकों से मापा जा सकता है और तीनों में नतीजा समान निकलता है। जीडीपी कैन बी मेजर्ड इन थ्री वेज कमा ऑल गिविंग द सेम रिजल्ट। जीडीपी को तीन तरीकों से मापा जा सकता है और तीनों में नतीजा समान निकलता है। अब हम तीनों तरीके एक एक करके देखेंगे। पहला तरीका लिखिए मेथड नंबर वन एक्सपेंडिचर मेथड व्यय दृष्टिकोण। एक्सपेंडिचर मेथड व्यय दृष्टिकोण तीन तरीके होते हैं अलग अलग और तीनों से आंसर बिल्कुल सेम आता है। बस एक तरीके में थोड़ा सा फर्क पड़ता है वो आपको समझा दूंगा क्यों पड़ता है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए फिर आपको फॉर्मूला और वो सब समझाएंगे। दिस मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट यह तरीका इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि दिस मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट यह तरीका इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स सभी उत्पाद ब्रैकेट गुड्स प्लस सर्विसेज ब्रैकेट ब्रैकेट वस्तुएं एवं सेवाएं ब्रैकेट मस्ट बी परचेज बाय समबडी किसी न किसी के द्वारा खरीदा जाएगा। कॉमा हेंस द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्ट अतः कुल उत्पाद का मूल्य हेंस द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्ट अतः कुल उत्पाद का मूल्य मस्ट बी इक्वल टू पीपल्स एक्सपेंडिचर इन बाइंग थिंग्स अतः कुल उत्पाद का मूल्य लोगों के वस्तुएं खरीदने के कुल मूल्य के लोगों के वस्तुएं खरीदने की कुल लागत के बराबर होना चाहिए। पढ़ लीजिए एक बार डेफिनेशन ध्यान से। नहीं नहीं सब हो रही है सेविंग भी हो रही है सब होगी चिंता मत कीजिए। फॉर्मूला आपने कहा इसका मतलब सेविंग्स ही नहीं होंगी। जब मैं एक शेयर खरीदता हूं मैं क्या कर रहा हूं खरीद रहा हूं ना लेकिन सेविंग कर रहा हूं। दैट्स द आंसर। जब मैं फिक्स डिपॉजिट में बैंक में पैसा डालता हूं लेकिन वो मेरा इन्वेस्टमेंट अभी आ रहा है उसके। ये फॉर्मूला लिख लीजिए सभी लोग। ये इसका फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब सी आई जी एक्स माइनस एम अच्छे से समझिए। सी इस फॉर्मूले को ऐसे बीचों बीच लिखिए और फिर चारों एरो निकलेंगे और उसकी परिभाषाएं निकलेंगी। प्राइवेट कंजम्पशन निजी उपभोग सी प्राइवेट कंजम्पशन अर्थात निजी उपभोग अर्थात
बड़ा मजेदार है, ऑल फर्स्ट टाइम परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं की पहली खरीद। समझ गए इसका मतलब क्या है? आपने 2009 में, तुम बड़ा स्मार्ट आदमी हो, लाल टी शर्ट बरमुडा, तुमको पल्सर बड़ी पसंद आई होगी, तो इन्होंने 2009 में बजाज पल्सर, वैसे ही वैसी चलती हवा में आधी, उस पर गर्लफ्रेंड को बिठा के घुमाओ तो बड़ी इंप्रेस हो जाती है, तो इन्होंने 2009 में बजाज पल्सर खरीदी। किसमें आया? जीडीपी में किसमें आएगा? 2013 में इन्होंने सोचा आईएएस की एग्जाम दूंगा, आप गर्लफ्रेंड से दूर भागना है तो पल्सर बेचनी पड़ेगी। एक दूसरा मुर्गा उनको मिला जो बड़ा स्मार्ट है, उसने सोचा मैं भी स्मार्ट बनूंगा, उसने उनकी पल्सर खरीद ली। समझ गए? पल्सर इन्होंने ओरिजिनली खरीदी 60,000 में, इनको बेची 25,000 में, 2009 की थी, 2013 में बेच दी। जो इन्होंने 25,000 में खरीदी वो यहां नहीं आएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है? समझ गए? नहीं तो डुप्लीकेशन हो जाएगा ना। 60,000 2009 के जीडीपी में मैं जोड़ चुका हूं ऑलरेडी, तो अब यहां नहीं जोड़ूंगा 25,000। लेकिन इनको इनसे मिलाया था इन्होंने, और इन्होंने गुप्त संधि कर रखी थी कि जो मिलेगा उसमें से 10% मेरा। इन्होंने उनको दिए 25,000, इन्हें कितने मिले? 2,500 फर्स्ट टाइम सर्विस अर्निंग है, वो इसमें कैलकुलेट होगी। समझ गए? क्योंकि 2,500 फर्स्ट टाइम क्रिएशन हुआ है ना वैल्यू का। कोई भी चीज जो पहली बार क्रिएट हो वो जुड़ेगी, जो दूसरी बार हो रही है वो नहीं जुड़ेगी। ये समझ में आ गया कि नहीं? वो क्योंकि ये अपना इनकम का रिटर्न भरेगा ना, यही तो बात मैं इतनी देर से कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, समझ रहे हैं कि नहीं? सवाल बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी आप ये बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये 2500 भारत सरकार को कैसे पता चलेगा, तो उसका क्या जवाब मैंने दिया? जवाब क्या दिया? अरे ये अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जब भरेगा तो लिखेगा ना उसमें मुझे 2500 रुपए मिले, तो वहां से वो सीएसओ में जाएगा डेटा। अब अगर ये महान आत्मा है और ये इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरती है ये महान आत्मा, तो सीएसओ को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो वो इसमें आएगा ही नहीं, तो जीडीपी का मेजर कम आएगा। बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। समझ में आ गया या नहीं? पक्का? बड़े होशियार बच्चे हो। आए तो ये था निजी उपभोग, इसका मैंने डेफिनेशन आपको समझा दिया एग्जाम्पल के साथ, ध्यान रखिएगा गलती मत कीजिएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सकल निवेश, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बैंक्स एक्सेट्रा, शेयर बैंक इत्यादि में निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सकल निवेश, ये सब इसमें आ जाएगा। तीसरा जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग सरकारी खर्च, गवर्नमेंट स्पेंडिंग सरकारी खर्च, ऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग सारा, सैलरीज, परचेजेस, संपूर्ण सरकारी खर्च, तनख्वाह, भत्ते, खरीदी, सब 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 सब। और आखिरी
एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, निर्यात कम आयात। क्यों? क्योंकि जो हम आयात कर रहे हैं वो इंडिया में नहीं बना रहे ना, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो इंडिया से बन रहा है, तभी तो हवा थोड़ी एक्सपोर्ट हो रही है, कुछ सामान ही जा रहा है ना, सेवा जा रही है, इसलिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसमें नीचे लिख लीजिए बिकॉज इंपोर्ट इज नॉट बीइंग मेड इन इंडिया, क्योंकि आयात भारत में नहीं बन रहा है, तो जीडीपी में कैसे काउंट करूंगा, तो सारे इंपोर्ट माइनस कर दूंगा। अब अगर इंपोर्ट मेरे एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहे हैं तो मेरा जीडीपी वैसे ही घट जाएगा। फॉर्मूला समझ में आ गया? इसको जैसे ही जोड़ेंगे भारत का जीडीपी निकल आएगा नॉमिनल वैल्यू पे, फिर उसको रियल वैल्यू पे लाने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर लगाया जाएगा और वह कॉन्स्टेंट प्राइस के साथ रियल वैल्यू कंपेरिजन दे देगा। कोई सवाल? व्यय दृष्टिकोण समझ में आ गया? इसमें कोई सवाल हो तो बोलिए। अगला लिखिए प्रोडक्शन मेथड वर्धित मूल्य दृष्टिकोण। प्रोडक्शन मेथड वर्धित मूल्य दृष्टिकोण, बहुत सारी चीजें इसमें, बड़ा मजा आएगा। लिखना शुरू कीजिए। जीडीपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग वन ईयर, फुल स्टॉप। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दौरान बने सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक जीडीपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग एनी वन ईयर, फुल स्टॉप। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी वर्ष में बने सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का की मौद्रिक कीमत है, फुल स्टॉप। वी हैव टू चेक, हमें देखना पड़ता है, वी हैव टू चेक द नेट वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, कॉमा, हमें देखना पड़ता है कि हर चरण में नेट वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, कॉमा, अक्रॉस ऑल लाइन्स, फुल स्टॉप। कि हर चरण में शुद्ध मूल्य कितना जोड़ा गया, शुद्ध मूल्य कितना जोड़ा गया, कॉमा, सभी दिशाओं में, फुल स्टॉप। समझाएंगे अभी आगे फॉर्मूले और सब चीजें एक 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 करके समझाऊंगा। फॉर्मूला लिखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट मूल्य पर जीडीपी बराबर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कारक मूल्य पर जीडीपी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कारक मूल्य पर जीडीपी, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, माइनस सब्सिडीज, माइनस उपदान। सब्सिडी यानी सरकार की तरफ से सहयोग जो मिलता है, जिसे उपदान या डायरेक्टली सब्सिडी ही कहा जाता है, हिंदी में भी सब्सिडी शब्द यूज होता है, टेक्निकली उपदान कहेंगे, नहीं तो सब्सिडी से चल जाएगा काम। तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे होगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये हमें देखना है, ये है, ठीक है ना। अब ये आ ऐसे रहा है तो पहले ये तीन देखना है, क्योंकि ये और ये सेम होने चाहिए। मार्केट प्राइस नॉमिनल इस साल की,
उसको फिर हम डिफ्लेटर लगा के पिछले साल पे जाएंगे, वो तो एक कॉमन स्टेज तीनों में लगेगी। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखो, कारक मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। परिभाषा लिखिए, मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस, जो कुछ बनाया गया उसका मौद्रिक दाम, मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस कॉमा, जो कुछ बनाया गया उसका मौद्रिक दाम कॉमा, विदाउट काउंटिंग गवर्नमेंट रोल, बिना सरकारी हस्तक्षेप के। बिना सरकारी हस्तक्षेप के, सरकारी हस्तक्षेप ये है ना, टैक्स सरकारी लगा सकती ना आप और मैं, तो सब्सिडी सरकारी देगी ना, इतने दानवीर तो आप और मैं है नहीं कि सब्सिडी बांटते फिरे किसानों को भारत के, कि इस साल 40,000 करोड़ की सब्सिडी देंगे, संभव ही नहीं है ना। तो यही हुआ ना सरकारी। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब जो मैंने आपको लिखवाया, मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस विदाउट गवर्नमेंट रोल, सरकारी हस्तक्षेप के बिना जो कुछ बना वो। ये परिभाषा समझ में आ गई। अगली चीज लिखिए, सकल घरेलू उत्पाद बराबर, फॉर्मूला दे रहा हूं, सिग्मा, सिग्मा यानी जोड़, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीडीपी इक्वल टू सिग्मा जीवी ए आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, बराबर, इसके आगे लिखिए। आप सबसे पहले डेफिनेशन पे अगर एक मिनट जाएंगे तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। मैंने आपसे क्या कही थी सबसे पहली डेफिनेशन, हमें हर लाइन में बन रही नेट वैल्यू को जोड़ना है। अब मान लो कोई बेकरी में ब्रेड बन रही है, ब्रेड के लिए आटा आया, आटे के लिए गेहूं आया, तो एक बेकरी से पीछे चलो, बेकरी आटा गेहूं, टोटल वैल्यू कितना एडिशन हुआ, बेकरी वन, अगली बेकरी को पकड़ो बेकरी टू, ब्रेड आटा गेहूं, ग्रॉस वैल्यू एडेड 2, 3, 4, 5, 6, भारत में 500,000 बेकरीज हैं, सबका जोड़ो, ऐसे हर प्रोडक्ट का जोड़ो। आय का मतलब है हर प्रोडक्टिव यूनिट भारत की, जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है गुड्स या सर्विस, उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड ले लो और आई इक्वल टू 1 to n, तो ये n हो सकता है लाखों में हो, उन सब का जब हम जोड़ेंगे तो हमको भारत का जीडीपी मिल जाएगा। इसके आगे लिखिए, इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी, में अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों द्वारा, इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों द्वारा निर्मित की गई सकल मूल्य का जोड़, निर्मित किया गया सकल मूल्य का जोड़। यह आपको मैंने परिभाषा दे दी। अब आप सोचेंगे ये वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट है क्या, अब लिखिए वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट, मूल्य संवर्धन सिद्धांत। ये आपको अच्छे से उदाहरण के साथ समझा देता हूं, वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट, मूल्य संवर्धन का सिद्धांत। सरकार वैट लगाती है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, वो यही तो कॉन्सेप्ट है, हालांकि उसमें बहुत गलतियां हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, समझाता हूं, पहले समझते चलिए फिर मैं लिखवा दूंगा। मान लीजिए एक किसान ने गेहूं बोया, अ फार्मर डज वीट प्रोडक्शन, मैं वही वैल्यूज लेके बताता हूं जो मैंने इसमें लिखा है।
पहले रफ बता देता हूं अलग से, फिर आपको पूरा फेयर में लिखवा दूंगा। मान लीजिए किसान ने व्हीट प्रोडक्शन शुरू किया, गेहूं बनाया, और उसने 10 किलो गेहूं कुल मिला के 500 रुपए में एक मिल को बेच दिया, मान लीजिए। ठीक है, किसान ने 10 किलो गेहूं उगाया, एक मिल के पास गए कि भाई मेरा गेहूं ले लो, अब आप इसको पीसो और आगे बेचो जो करना है, मैंने तो बेच दिया, और 500 रुपए में बेच दिया, और किसान साइड में हो गया। अब ये मिल ने लिया, मिल ने इसको पीसा और जो कुछ भी था उसको पीस के 600 रुपए में एक बेकरी वाले को बेच दिया। ठीक है, बेकरी को या किसी को, बेकरी वाले ने वो सब जो कुछ लिया उससे ब्रेड बनाई, बिस्किट बनाए, केक बनाए, सब किया, और उसको 800 रुपए में फाइनल कस्टमर को बेच दिया। समझ गए? अब जीडीपी कितना हुआ इस प्रोसेस में, 500 प्लस 600 प्लस 800, 1100 प्लस 800 यानी 1900 रुपए का जीडीपी बना। यस और नो? नो। व्हाई नो, ये बताइए। अरे अगर मैं सीधे सीधे जोड़ूंगा तो गलत ही है ना, ऐसे तो कमा हो जाएगा, क्योंकि गलत फिगर्स आएंगे ना। 500 रुपए का गेहूं तो इन सब के अंदर पहले से मौजूद है भाई, पहले उसको तो हटाओ। ये 500 रुपए में मैंने जो बेचा, इसने 600 में अगले को बेचा, तो यार नेट वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, 100 रुपीज का। तो इस स्टेज में 500 रुपए का वैल्यू एडिशन था, क्योंकि जमीन से उगाया, जीरो मान रहा हूं। 600, 100 रुपए का फायदा, 100 रुपए का वैल्यू एडिशन, इसने 200 का, तो नेट जीडीपी का क्रिएशन हुआ 500 प्लस 100, 600 प्लस 200 कितना हुआ, तो नेट जीडीपी का क्रिएशन यहां पे मेरा 800 का हुआ और न कि 1900 रुपए का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये 500 तक आने में भी सरकार के द्वारा दी हुई सब्सिडी और टैक्स कहीं ना कहीं रहा होगा, तो हमें वो सबको एक साथ जोड़ के समग्रता से देखना पड़ेगा। उसके पहले आपका सवाल, बिल्कुल बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल किया, तो वो किसी और तरीके से किसी और की वैल्यू में काउंट होगा ना। मान लो उसने बिजली में पैसा खर्च किया है, तो बिजली कंपनी का जब जीवीए का फॉर्मूला लगेगा वो वहां काउंट होगा, इसमें नहीं। समझ गए? एग्जैक्टली, डेफिनेशन देख लीजिए ना, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू काउंट हो रही है, इनकम नहीं। ग्रॉस इनकम बोल सकते हैं, नेट इनकम नहीं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही बोला, उसमें तो बिजली का खर्चा कम होगा, लेबर का खर्चा कम होगा। डेफिनेशन फिर से देखिए, सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी, नेट वैल्यू एडेड एट ई स्टेज अक्रॉस ऑल द लाइंस। तो ये जो नेट वैल्यू 100 रुपए की एड हुई है, उसमें भी बहुत सारे कॉस्ट के कंपोनेंट हैं, वो सब रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर्स के फॉर्मूले में चले जाएंगे। तो अब यहां पे एक डेफिनेशन लिख ली, डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, और उसके बाद सब्सिडी और टैक्स के कैलकुलेशन बता दूंगा। नहीं नहीं, वैट लग रहा है ना, कहां, किसको नहीं लग रहा है, आते हैं उस पर अभी। वैट का बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, अभी आप ये लिखो पहले, स्टेप वाइज लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप में हम डिस्कशन खत्म कर देंगे, स्टेप वाइज चलो। पहला स्टेप, फार्मर डैश व्हीट प्रोडक्शन, किसान डैश गेहूं उत्पादन डैश सेल्स टू मिल, मिल को बेचा डैश 10 केजी एट द रेट रुपीज 500, 10 किलो एट द रेट रुपए 500, लिख लिया। फार्मर डैश व्हीट प्रोडक्शन डैश सेल्स टू मिल डैश 10 केजी एट द रेट रुपीज 500, लिख लिया भाई। अगली लाइन, मिल डैश ग्राउंड इट, उसको पीसा डैश सोल्ड टू बेकरी, बेकरी को बेचा डैश 10 केजी एट रुपीज 600,
10 किलो एट द रेट 600। अब यहां एक्चुअली 10 किलो लिखना भी जरूरी नहीं है, मैं फिर भी लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो एक ही बेकरी को बेचे, समझ गए, वही तो बात है ना। इसलिए ये फॉर्मूला फाइनली लगेगा, समझ में आई बात आपको, कि वो एक ही बेकरी को नहीं बेच रहा है ना, हो सकता है वो 5 अलग अलग लोगों को बेच दे। अगला, बेकरी डैश मेक्स ब्रेड, ब्रेड बनाई डैश सोल्ड टू कस्टमर, ग्राहक को बेचा डैश एट द रेट ₹800। हमारे कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम मान रहे हैं कि ये गेहूं से यही हुआ, जबकि उसे गेहूं से बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। अगली लाइन, व्हाट जीडीपी वाज प्रोड्यूस्ड, कितना जीडीपी बनाया गया, क्वेश्चन मार्क। आगे लिखिए उसी लाइन में, 500 प्लस 600 प्लस 800 500 प्लस 600 प्लस 800 बराबर ₹1900 क्वेश्चन मार्क, बराबर ₹1900 क्वेश्चन मार्क। नो, नहीं, और नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। अगला स्टेप, जीडीपी प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू, जीडीपी बनाया गया बराबर मनी वैल्यू ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का मौद्रिक मूल्य बराबर इक्वल टू 500 500 प्लस 100 प्लस, आप बताइए आखिरी 200 इज इक्वल टू ₹800। तो मतलब यहां जीडीपी बना है ₹800 का और ना कि ₹1900 का, या जितना भी हमारा निकल के आ रहा था। अब बच गया एक डिस्कशन, ये तो वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हो गया, अब एक डिस्कशन बच रहा है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का, इसको जीडीपी में कैसे फैक्टर इन करते हैं, एक टेबल बना के आपको समझा देता हूं। तो अगला हमारा डिस्कशन है सब्सिडी और टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इसके लिए एक टेबल बना के बता देता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये टेबल का टाइटल बन रहा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। कारक मूल्य एवं मार्केट मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, दो अलग अलग प्रोडक्ट लेके समझाता हूं, एक जिसको किसान इस्तेमाल करते हैं बीज सीड, सरकार सब्सिडी देती है ना भाई बीजों पे, और एक जो आप और मैं शहरी लोग इस्तेमाल करते हैं, मान लो डीवीडी, हम मार्केट में गए 10 ब्लैंक डीवीडी खरीद के लाए, तो एक तो हम बीज ले लेते हैं और एक डीवीडी ले लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल मूल्य लिख लीजिए, ओरिजिनल कॉस्ट जो सबसे पहली कीमत थी, इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, कारक मूल्य, फैक्टर कॉस्ट कारक मूल्य। ये सबसे पहली कीमत थी, अभी भरेंगे हम अंदर, माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी, इसमें से हम घटा देंगे सरकार के द्वारा दी जा रही सब्सिडी या उपदान, उसमें हम जोड़ेंगे वैट
और इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी अप्रत्यक्ष कर। और उससे निकल के आएगा मार्केट मूल्य, एमपी, मार्केट प्राइस। बड़ा मजेदार टेबल बनने वाला है। एक किलो बीज किसान ने मान लीजिए खरीदे कितने रुपए में, क्या लिखा भाई, 500 रुपीज विद कॉस्ट ऑफ 1 kg सीड। सरकार ने किसान को 50 रुपए की सब्सिडी दे दी। भारत में सरकार की हिम्मत ही नहीं कि किसान पे किसी तरह का टैक्स लगाए, नहीं तो क्रांति ज्यादा दूर नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जीरो। तो मार्केट प्राइस कितनी बन गई इस चीज की, 450। ओरिजिनल लागत मूल्य जिसने बनाया था उसको तो 500 रुपए का ही पड़ा ना, जिस फैक्ट्री में यह बन के आई उसको सरकार ने 50 रुपए की सुविधा दे दी कि तू किसान को 450 में ही बेच भैया, या किसान को 50 रुपए दे दिए, जैसे भी किया। सरकार का आउटलुक है 50 तरीकों से किया जा सकता है। समझ गए या नहीं? अब डीवीडीज पे आ जाओ। मान लो हम 10 ब्लैंक डीवीडी खरीदने गए, हर डीवीडी 10 रुपए की थी, कुल मिला के कितने में मार्केट प्रोड्यूसर से हमने कितने में खरीदी, कारक मूल्य 100। सवाल ही नहीं। सरकार पढ़े लिखों को जिस दिन सब्सिडी देने लग जाएगी, सारे अमेरिका से लौट लौट के भारत में आएंगे, जनसंख्या बढ़ जाएगी, सरकार को बड़ा डर है, इसलिए सब्सिडी देना बंद। हाँ, पकड़ो, टैक्स लगा दिया सरकार ने इस पे, 10 रुपए का टैक्स जोड़ दो। रैंडम फिगर्स है, एक्चुअल टैक्स स्टेट टू स्टेट वेरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट वैल्यू बताइए कितनी हो गई, 110। कारक मूल्य 100 ही था, मार्केट में 110 पे आया क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप हो गया। इसीलिए फॉर्मूले में बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ेगा, सब्सिडी हटेगी। अभी आप देखेंगे कैसे। अब मुझे बताएं, कुल जीडीपी अगर मैं यहां बनाऊं इसका फॉर्मूला, तो यह बताइए कारक मूल्य से अगर मैं जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी निकालता हूं तो बताइए कितना हो जाएगा। ये दोनों जुड़ेंगे ना, तो कोई डायरेक्टली अगर इस टेबल को देखेगा तो बोलेगा हां भाई ओरिजिनल ये प्रोड्यूसर ने 500 में बनाया, ये प्रोड्यूसर ने 100 में बनाया, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से 600 रुपए हो गया, तो ये हो गया 600 रुपए। समझ गए? ये क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, हां ध्यान रखना। समझ गए? अब सरकार इन्वॉल्व है, सरकार के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा सरकारी हस्तक्षेप कितना इज इक्वल टू। फॉर्मूला देख लीजिए, सब्सिडी माइनस होगी, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा। सब्सिडी कितनी है, माइनस 50, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है भैया, प्लस 10, यानी कुल मिला के नेट कितना हुआ, माइनस 40। यह है सरकार का हस्तक्षेप। समझ गए? अब अगर सरकार का हस्तक्षेप माइनस 40 है तो फैक्टर कॉस्ट में सरकार का हस्तक्षेप जोड़ूंगा, 600 में माइनस 40 जोड़ूंगा, तो फाइनल जीडीपी मार्केट प्राइस पे कितना निकलेगा ये बताओ। है 560 निकलेगा ना, 560। इसमें से ये माइनस किया तो ये आया, लेकिन मेरे भैया अगर मैं डायरेक्ट मार्केट प्राइस को जोड़ता तो भी फिगर तो सेम आना चाहिए, सेम ही आ रहा है।
मतलब ये फॉर्मूला दुरुस्त है एकदम। इस तरह से ये जीडीपी कैलकुलेट होता है। टेबल बना लीजिए, दो मिनट दे रहा हूं, समझ लीजिए। ठीक है कि नहीं? बस ऐसे आप 1 करोड़ ट्रांजैक्शंस लिख देंगे तो भारत का जीडीपी निकल आएगा। दैट्स द होल आइडिया। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ ट्रांजैक्शन जो भी हैं, वो भारत का जीडीपी आएगा फाइनली। बना लीजिए टेबल अच्छे से। इस तरह से ये कैलकुलेशन होता है पूरा। कोई सवाल हो तो पूछो। ये एरो वेरो डाल देना सारे। अगला लाइन लिखो इसी में, फैक्टर कॉस्ट मींस ओरिजिनल वैल्यू। कारक मूल्य का अर्थ है पहली कीमत, पहला मूल्य। इस टेबल में एक सिंपल सी बात समझ लो आप, जो समरी है इसकी, जो दिखता है वो होता नहीं है, ये है इसकी समरी। दिख कितना रहा है जीडीपी, लेकिन ये 600 होने के लिए सरकारी हस्तक्षेप लगा था, ये 600 होते तक सरकारी हस्तक्षेप लगा था। फाइनली जीडीपी कितना निकल के आया, उससे कम आया, ये बस ध्यान रखना। समझ गए? अगली लाइन, रिमेंबर, याद रखें, सब्सिडीज इंपैक्ट ऑन इनकम इज, ये एरो बनाएं, सब्सिडी का आय पर असर पड़ता है, ये एरो बनाइए ऊपर, मतलब बढ़ा देती है आय को। सब्सिडीज इंपैक्ट ऑन इनकम इज, अतः माइनस, हेंस माइनस। समझ गए? सब्सिडी क्या कर रही है, हमारी जो वास्तविक इनकम हो रही है उसको बढ़ा के बता रही है, इसलिए जीडीपी में उसको घटाया जाता है। अगली लाइन उल्टी हो जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपैक्ट ऑन इनकम, क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स हमारी इनकम को घटा के दिखाते, जबकि एक्चुअली तो इनकम हुई है, हेंस उसे जोड़ा जाता है। समझ गए भैया? बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन से समझ लिया है हमने, और हम वैसे भी समझदार हैं इसलिए दिक्कत होनी ही नहीं है। यस, एब्सोल्युटली सब्सिडी, बिकॉज सब्सिडीज इंपैक्ट ऑन इनकम ऑलवेज इज पुशिंग इट अप। ये ट्रांजैक्शन ही नहीं होता अगर सब्सिडी नहीं दी गई होती तो सब्सिडी की वजह से 500 रुपए कमा पाया मैं। दरअसल तो मैं 450-400 ही कमाता अगर मैं खुद जाता बेचने, तो किसान देने की स्थिति में नहीं था। ये है उसका लॉजिक। क्योंकि इस पे तो टैक्स लगा ही नहीं है कहीं भी, अगर टैक्स लगता तो मैं उसको भी ऐड करता। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या इस पे सब्सिडी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, ट्रीटमेंट सेम रहेगा, सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस। टोटल सब्सिडी सारी माइनस 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 एक साथ एक तरफ रख लो, सारे टैक्स, मैंने कहा ना 1 करोड़ ऐसे बनेंगे टेबल, क्योंकि इतने ट्रांजैक्शन हुए भारत में। सारी सब्सिडी को माइनस 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 ट्रीट कर दो, सारे टैक्सेस को प्लस 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 ट्रीट कर दो, इस फॉर्मूले में डाल दो बस। क्योंकि सब्सिडी हमेशा इनकम को बढ़ाती है, इसलिए उसको घटाओ फाइनल से, क्योंकि वो नकली है। और टैक्स हमेशा इनकम को घटा देते हैं तो वो भी नकली है, इसलिए उनको जोड़ो। अगर सरकार नहीं होती तो जीडीपी क्या होता, इसको दूसरे ढंग से समझो। हैड देयर बीन नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड टू आवर जीडीपी? देयर वुड हैव बीन नो टैक्स एंड देयर वुड हैव बीन नो सब्सिडी, वो सारे 0-0-0 हो गए होते, तो दिस वुड हैव बीन इक्वल टू दिस। अगर भारत सरकार ही ना हो तो ये दो ही नहीं होंगे, तो मतलब फॉर्मूला सही है ना। भारत सरकार नहीं होगी तो क्या होगा, ये तो होगा, लोग बीज तो बनाएंगे, लोग बीज तो खरीदेंगे, बस वो नहीं होगा, तो मतलब फॉर्मूला तो सही है। चलिए थर्ड इनकम अप्रोच,
तीसरा आय पद्धति, या इनकम मेथड, आय दृष्टिकोण। एक बात बताइए, इन द फर्स्ट मेथड हमने किस तरह से जीडीपी को ढूंढना शुरू किया था? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, खर्चे जोड़ रहे थे ना हम सारे। दूसरे में हमने कैसे जीडीपी को कैलकुलेट करना शुरू किया? वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। भाई एक और तरीका हो सकता है, किसने कितना कमाया वो भी तो जीडीपी है, कोई खर्च कर रहा तभी तो कोई कमा रहा है। ये पता है किसी भी इकोनॉमी में कमाई कितने तरह की हो सकती है? सबसे पहली तो सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज होगी ना, तनख्वाह। दूसरी पार्डन, बिजनेस से क्या, सेल से इनकम, तो टर्नओवर हुआ। स्पेसिफिक वर्ड ढूंढिए, अरे प्रॉफिट बोलो ना भैया, जो कैपिटल लगा रहा है उसकी इनकम प्रॉफिट होती है ना, टर्नओवर तो इनकम नहीं होती ना। 100 करोड़ का टर्नओवर है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 2 करोड़ है, तो इनकम तो 2 ही करोड़ की हुई ना फाइनली, जो उसकी जेब में आया, बाकी तो सरकार ले गई, कस्टमर ले गया, जो भी था। और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? सैलरी हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है, और बताइए। मकान मालिक ने घर रेंट पे उठा रखा है तो रेंट नहीं होगा क्या? रेंट भी तो होगा ना, हर तरह का रेंट भारत में जो भी चल रहा है कम में ही आएगा। ऐसी सारी चीजों को हम जोड़ेंगे तो जीडीपी आ जाएगा। आप देखिए, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर फॉर्मूले पे आते हैं। जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ इनकम्स। जीडीपी किसी देश में, किसी वर्ष में, जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग। जीडीपी किसी देश में, किसी वर्ष में सभी नागरिकों की कुल आय का जोड़ है। जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर, फुल स्टॉप। ठीक है, अगली लाइन लिखिए। रेवेन्यूज अर्न्ड बाय ऑल द फर्म्स पुट टुगेदर, सभी फर्मों द्वारा कमाया गया पैसा। रेवेन्यूज अर्न्ड बाय ऑल द फर्म्स पुट टुगेदर, सभी फर्मों द्वारा कुल कमाया गया पैसा मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अनेक उत्पादन के कारकों में, मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अनेक उत्पादन के कारकों में बांटा जाता है। मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज सैलरीज, कॉमा, बांटा जाता है इन रूपों में, इन रूपों में डैश एज सैलरीज कॉमा वेजेस कॉमा तनख्वाह कॉमा वेजेस कॉमा प्रॉफिट्स मुनाफा कॉमा इंटरेस्ट अर्निंग शुद्ध ब्याज एंड रेंट्स और किराए की आय। समझ गए? तो ये अलग अलग तरीके हैं आय के। तो आप जीडीपी का फॉर्मूला लिख लो भैया। जितने भी लोगों ने वेजेस अर्न किए, सिग्मा डब्ल्यू आई, करोड़ों होंगे आए, सबकी सैलरी जोड़ो। ये कैसे पता चलेगा? जो कंपनियां अपने रिटर्न भरती हैं सैलरी के। अब भारत में कहां प्रॉब्लम आएगी? 85% आर इन दी इन, बस समझ में आ रही है बात? क्यों आपको वो आंकड़े बताए थे शुरू में? नॉन फार्म, कितने लोग अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित हैं? 85%। अब उनका तो कोई रिटर्न भर ही नहीं रहा एम्प्लॉयर, मतलब इसमें बड़ी गड़बड़ होने वाली है। सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो सरकार दूसरे तरीके से पकड़ेगी इसको, वो देखेंगे। सिग्मा डब्ल्यू आई प्लस सिग्मा पी आई, सारे प्रॉफिटों का जोड़, प्लस सिग्मा
IN यानी इंटरेस्ट प्लस सिग्मा RI, R यानी रेंट इनकम, रॉयल्टी विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट इनकम। ये इंटरेस्ट कमाया ब्रांड बनाने का आपने, उसको रेंट में भी डाला जा सकता है, इंटरेस्ट में भी डाला जा सकता है, किसी भी तरह ट्रीट किया जा सकता है रॉयल्टी को। सिग्मा WI क्या है? सैलरी प्लस वेजेस, तनख्वाह। सिग्मा WI यानी तनख्वाह। सिग्मा PI प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा। सिग्मा INI इंटरेस्ट, शुद्ध ब्याज। और सिग्मा RI रेंट, किराए की आय। यह है GDP। अब इसको सिंपल कर देते हैं, ये सिग्मा विग्मा सब हटा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है सबका। W प्लस P प्लस IN प्लस R, तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद बराबर W प्लस P प्लस IN प्लस R। ठीक है भैया, अब आखिरी फॉर्मूला। अगर मैंने जो कुछ पढ़ाया है वो सही है तो मेरा आखिरी फॉर्मूला क्या बनेगा? GDP बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M बराबर सिग्मा GVAI बराबर W प्लस P प्लस IN प्लस R। ये है GDP, ये तीनों सेम आएंगे। समझ में आया कि नहीं है? आ गया? रात को बुरे बुरे सपने तो नहीं आएंगे? पलंग से गिरोगे तो नहीं 4-5 बार? अरे अरे, इंटरेस्ट यहां था कि वहां था? अरे, अगर सपने आए मतलब IAS बनने वाले हो तुम, समझ रहे हो ना? अगर बड़ी चैन की नींद सो रहे हो तो IAS नहीं बन पाओगे। जो आदमी घुस जाता है इसके अंदर उसी को सपने आते हैं बुरे बुरे, फिर मतलब बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हो, डरना मत। इज दिस क्लियर? ये है GDP को कैलकुलेट करने का तरीका। लेकिन ये मार्केट प्राइस का GDP आया है अभी, हमने इसको, हाँ ये नॉमिनल GDP निकल रहा है अभी, इसको रियल GDP तो हमने बनाया ही नहीं है। वो इसलिए नहीं कि तीनों तरीके में से कुछ भी लगा लो, जो एक वैल्यू आएगी उस पर डिफ्लेटर लगा लो, कॉन्स्टेंट प्राइस GDP आ जाएगा। उस पर आएंगे थोड़ी देर में। अब आपको तीन डायग्राम बनाने हैं, बड़े जबरदस्त, फटाफट बनाइए। ये लिख लिया अच्छे से, इस पे कोई सवाल है तो बोलिए। शक्लें देख के तो लग नहीं रहा कि हिम्मत बची सवाल पूछने की, इसलिए कोई मतलब नहीं है। तीन डायग्राम अब हम बनाएंगे। पहला डायग्राम का टाइटल दीजिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। एक सरल अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। एक सरल अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह। मैं तीन डायग्राम बनाऊंगा, ये हैं वो तीन डायग्राम, मैं साइड बाय साइड बना दूंगा। बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग GDP की आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये पहला डायग्राम बनाइए। फर्म्स, व्यापारिक फर्में, हाउसहोल्ड्स, परिवार, ये फर्म्स बनाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, बेचती हैं इन हाउसहोल्ड्स को। तो यहां से यहां का प्रवाह बना दीजिए। वस्तुएं एवं सेवाएं, इन्होंने इनको बेचा, इन व्यापारिक फर्मों ने इन परिवारों को बेचा। फैक्टर पेमेंट्स, कारक अदायगी, इन्हीं परिवार के लोग इन फर्मों में काम कर रहे हैं ना, सैलरी मिलेगी ना, समझ में आया कि नहीं? फैक्टर पेमेंट्स, अल्टीमेटली मैं किसी फर्म में काम करता हूं, मुझे वहां से सैलरी मिलती है, उसी सैलरी से मैं किसी और फर्म का मोबाइल खरीदता हूं, तो चक्र ऐसी बनेगा ना।
जब मैं वो मोबाइल खरीदता हूं तो क्या हो रहा है भैया, किस तरह एरो बनाऊं, इसको क्या कहेंगे, स्पेंडिंग यानी कि व्यय, ठीक है। और मैं यहां काम कर रहा हूं तो मैंने यहां सेवाएं दी, फैक्टर सर्विसेस, कारक सेवाएं। अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया सरल समझ में आ सकने वाला डायग्राम है जो ये कहता है कि फर्म से वस्तुएं और सेवाएं घरों में बेची जाती हैं और उन्हें पेमेंट किया जाता है सेवाएं देने का, क्योंकि लोग उसमें काम करते हैं, कारक अदायगी। लेकिन ये लोग यहां पे काम करते, ये लोग इनका सामान खरीदते हैं तो खर्चा करते हैं, व्यय, और ये लोग यहां पे सेवाएं देते हैं, कारक सेवाएं। कोई सवाल? टाइटल क्या था हमारे इस डायग्राम का? ठीक है, गुड। दूसरा डायग्राम, उसका टाइटल दीजिए जीडीपी बाय थ्री मेथड्स। अब जो तीन तरीकों से हमने जीडीपी देखा उसका एक कंबाइंड डायग्राम बना देते हैं, बहुत सिंपल है, बार ग्राफ टाइप में बना देते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, इनकम मेथड, आय विधि, प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद विधि। इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, ये सिर्फ ड्रॉ करके दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि ये लाइन बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो गया। अब तीसरा और आखिरी जो बनाने जा रहा हूं, थोड़ा सा टेक्निकल है, उसमें बहुत इंटरकनेक्शंस हैं, सब कुछ है, उसको जरा ढंग से बनाते हैं। बना लिया, मिटा दूं। थर्ड, उसका टाइटल दीजिए सब कैटेगरीज ऑफ एग्रीगेट इनकम, कुल आय के विभिन्न कैटेगरी या विभिन्न प्रकार। अब इसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी सबका कनेक्शन एक इमेज में दिखेगा।
इसमें थोड़ा स्केल से बनाइएगा, लाइनें जैसी जैसी लाइन में दिख रही है लाइन में ही बनाना। बहुत ही बढ़िया डायग्राम है, सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा एक बार में, और इसमें से एक एक टर्म की डेफिनेशन लिखवा दूंगा आपको अभी। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में बेसिक फर्क क्या होता है बताइए। बिना सरकारी हस्तक्षेप के जो कॉस्ट होती है वो फैक्टर कॉस्ट होती है, समझ गए। नॉमिनल वैल्यू और रियल वैल्यू में क्या फर्क होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू हमेशा रियल वैल्यू कहलाती है। मजा आ गया, एक ही डायग्राम में सब कुछ कवर हो गया। अब परिभाषाएं लिखिए, टाइटल दे दिया सब कैटेगरीज ऑफ एग्रीगेट इनकम, कुल आय की विभिन्न श्रेणियां विभिन्न कैटेगरियां। अब देखिए ये है पूरा जीएनपी किसी भी देश का, आपको पहले बताया था जीएनपी यानी जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बाहर से आने वाली कुल सकल आय या निवल आय शुद्ध आय माइनस करके, जितना यहां से गया माइनस जितना आया, एक एक करके परिभाषाएं लिखिए सारे टर्म्स की परिभाषा। सबसे पहले लिखो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। तो मुझे बताइए अब ये फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, बस ये फॉर्मूला याद रखना है और क्या, डायग्राम याद रहेगा तो सब याद हो जाएगा। अगली डी डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, डी डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। तो ये बताइए जीएनपी और एनएनपी में क्या रिश्ता है, जीएनपी से डेप्रिसिएशन हटा दिया तो क्या आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट, समझ गए ना। मैं जीडीपी जीएनपी एनएनपी की परिभाषा इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं, ये तो मालूम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट निवल राष्ट्रीय उत्पाद एट मार्केट प्राइस, नेट इनकम जिसका मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, निवल आय निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक मूल्य पर, ये तो पता है, जो नहीं पता है वो लिखवा रहा हूं। आईडी इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष कर, अभी तक जो जो पढ़ा है उसको इसमें फिट करो, ये है एक्सरसाइज। बताइए एसयूबी क्या होगा, सब्सिडी उपदान। तो हमारे नेट नेशनल प्रोडक्ट से जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी हटा देता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, यही बताया था मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट के बीच का क्या फर्क होता है, सरकारी हस्तक्षेप वो हटते ही आ गया नेट इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसलिए डायग्राम बहुत काम का, ध्यान रखना इसको 50 बार बना के रट लेना,
कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको जीडीपी एनएनपी के चक्कर में। अगला लिखिए यूपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। यूपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट बांटती नहीं है शेयर होल्डर को, क्या करती हैं? अपनी बैलेंस शीट में रख लेती हैं, वो ये यूपी है। प्लस एनआईएच, ये एनआईएच दिख रहा है यहां पे, नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्डर्स, परिवारों द्वारा निवल ब्याज अदायगी। आप और हम ब्याज भरते रहते हैं ना कई चीजों का, नई नई चीजें खरीदने का शौक पाल लिया हम सब ने, ब्याज भरते रहो ब्याज भरते रहो ब्याज भरते रहो, वो सब यहां आ रहा है, समझ गए? नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्डर, एक सिंपल एडवाइस आपको दूंगा, जब पैसा कमाना शुरू करो कोशिश करना कभी भी ईएमआई पे कोई चीज मत खरीदना, बहुत सुखी जीवन बिताओगे। अब ईएमआई पे नहीं खरीदने का मतलब है वो खुशियों को आज नहीं पाना। भाई आदमी ईएमआई पे क्यों खरीदता है? क्योंकि उतना कैश नहीं है उसके पास, अब वो चीज आज की आज खरीदनी है, लालच हो रहा है, लालच पे कंट्रोल करो, एक साल बाद खरीदना जब कैश आ जाएगा उतना सेविंग से, बहुत सुखी रहोगे। ये बहुत सिंपल फंडा सुखी रहने का, ब्याज पे कुछ नहीं खरीदना। हाँ जान जाने वालियों कोई मेडिसिन खरीदनी पड़ रही है बात अलग है, बट मोबाइल हो नहीं हो जान नहीं जाती है, खैर सबका अपना अपना सोच है। एनआईएच का मतलब है परिवारों द्वारा निवल ब्याज अदायगी। सीटी कॉरपोरेट टैक्सेस, निगम कर सरकार ले गई। टीआरएच ट्रांसफर्स रिसीव्ड बाय हाउस होल्डर्स, परिवारों द्वारा प्राप्त अंतरण। ट्रांसफर्स रिसीव्ड बाय हाउस होल्डर्स, परिवारों द्वारा प्राप्त अंतरण। पीटीपी, अब ये पीआई जो है ये पर्सनल इनकम, सभी लोगों की कुल मिला के व्यक्तिगत आय। पीटीपी पर्सनल टैक्स पेमेंट, व्यक्तिगत कर अदायगी। एनपी नॉन टैक्स पेमेंट्स, गैर कर अदायगी, करों के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको पे करनी पड़ेंगी, गैर कर अदायगी। तो फाइनली बच गया पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जेब में पड़ा है आपके, अब आपको जो करना है करो, अगर कुछ पड़ा है तो। बहुत बड़ा सवाल है वो, यहां तो बार बहुत बड़ा दिख रहा है, यहां आते आते हो सकता है वो यहां अरे इतना सा बचा या उल्टा हो जाए, अरे बाप रे। समझ में आ गया डायग्राम पूरा? इस डायग्राम को जैसे मैंने कहा याद कर लेना, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के ट्रांसफर हो सकते हैं। ट्रांसफर्स रिसीव्ड बाय हाउस होल्डर्स, सरकार की सब्सिडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चलिए ये हो गए तीन डायग्राम, अब अगला लिखिए, दो चीजें बची हैं बस, जीडीपी डिफ्लेटर और जीएनपी। पहले जीडीपी डिफ्लेटर लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए कवर कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। जीडीपी डिफ्लेटर यानी अपस्फीति कारक, अपस्फीति कारक। जीडीपी डिफ्लेटर मुद्रा स्फीति यानी बढ़ती है, अपस्फीति उल्टा, तो जो उल्टा कर दे अपस्फीति कारक, जीडीपी डिफ्लेटर। इसमें डिक्टेशन है, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी खत्म हो जाएगा। द रॉ जीडीपी फिगर इज द नॉमिनल जीडीपी,